नमस्कार दर्शकों, आप सभी को रॉय फैमिली में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं एक यूनिक रेसिपी। देखिए, ये जो हरा वाला मूंग है, इसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने 180 ग्राम करीब ये हरा मूंग ले लिया है और इसे मैंने रात भर भिगो के रखा था। तो उसके बाद देखिए, भिगोने के बाद ये देखिए इस तरीके से पूरा नरम हो चुका है। उसका मसल के मैंने हल्का सा इसका छिलका उतार लिया, कुछ कुछ छिलका रह गया है, तो हमें इसे इस तरीके से चाहिए था। तो ये मैंने मुंह को अच्छे से धो के साफ कर लिया है और ये हरी धनिया के पत्ती ले लिया है और ये 5 से 6 हरा मिर्च जो कि छोटा छोटा काट लिया है। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले ये मूंग को अच्छा सा एक पेस्ट बनाते हैं। तो चलिए, मैंने सारा मूंग का दाल ले लिया है और ये आधा कप के करीब मैंने पानी लिया है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, गीला ज़्यादा नहीं होना है हमारा पेस्ट। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ पेस्ट है। तो इसे अब हम नीचे उतार लेते हैं। एकदम इजी और आसानी से बन जाने वाला रेसिपी है और हरा मूंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। तो देखिए इस तरीके से हम सारे दाल के पेस्ट को इधर से निकाल लिए। दाल के पेस्ट में अब हम धीरे धीरे सारे सामग्री को ऐड करेंगे। तो इसमें ये देखिए मैंने बारीक कट के रखा हुआ था धनिया पत्ता, तो ये धनिया की पत्ती मैंने 3 चम्मच के करीब दे दिया है। इसके बाद ये कटा हुआ हरी मिर्च, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा इसमें। इसके बाद 1/4 टीस्पून के करीब ये देखिए एक चुटकी भर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और ये चुटकी भर बेकिंग सोडा। इसके बाद एक चुटकी हींग, ये देखिए एक चुटकी हींग लिया है मैंने। इसके बाद इसमें अदरक का पाउडर जो कि मैं घर में बना के रखती हूँ, तो ये रहा अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब और ये 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। इसके बाद ये देखिए एक चुटकी चीनी जो कि इसमें तीखा मीठा दोनों बैलेंस बना रहे। तो इसे अब हम अच्छे से फेंट लेते हैं, खूब बढ़िया से धीरे धीरे फेंटेंगे इसे, सभी मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा इसे। सिर्फ मूंग दाल से ही आज सब्जी बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है और हेल्दी है और तेल का इसमें यूज़ भी बहुत ही कम होने वाला है। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इसे अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के रख देती हूँ। कुकर में, एक 5 लीटर का कुकर है ये हमारा, तो इसमें हम करीब 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है गर्म होने के लिए और एक स्टैंड चढ़ा दिया है। इसके बाद हम ये देखिए इस तरीके का एक मैंने कंटेनर ले लिया है जिसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर दिया है इसमें ताकि ये नीचे ना चिपके। तो 2 मिनट हो चुका है, ये जो पेस्ट है दाल का सारा इसमें अब हम ट्रांसफर करेंगे। हरे पेस्ट को इसमें दे देंगे।
और इसे अच्छे से टैप करके इक्वल लेवल में कर लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया सा हो गया है, ये मैंने पेस्ट को रेडी कर लिया है। और ये देखिए पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, पानी उबल रहा है। तो इसमें अब हम करने वाले हैं ये जो टिफिन है इसमें बिठा देंगे, जो कि हमें स्टीम से इसको पकाना है, ज़्यादा तेल नहीं देना है हमें, तो इसीलिए हम ये स्टीम से इसे पकाएंगे। तो इसके लिए हम ये कुकर का जो सीटी और इसका साइड का जो गैस्केट है इसे निकाल देंगे, जिससे कि इसका जो पानी का भाप है जो इस ढक्कन में जमता है वो दाल के ऊपर नहीं आएगा। तो इसके लिए इसे हम इस तरीके से गैस्केट और सीटी निकाल के इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच में पकने देते हैं। जब तक हमारा दाल भाप से पकता है तब तक हम ग्रेवी के लिए चलिए तैयार करते हैं मसाला। ये देखिए इसके लिए मैंने ले लिया है 6 करीब हरी मिर्च, तीखी अपने हिसाब से आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से मिर्च लीजिएगा। मैंने इसमें 6 हरी मिर्च ले लिया है और 6 लहसुन की कलियाँ जो कि छिलके मैंने ले लिया था, 1 मीडियम साइज का प्याज जो कि इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया है। तो इसे हम सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं। चलिए इसके बाद ये टमाटर देखिए एकदम लाल लाल टमाटर है, इसे हम पेस्ट बनाएंगे, इसे बाद में बनाएंगे, इसके साथ हमें मिक्स नहीं करना है, तो इसीलिए इसे अलग से ही पेस्ट बनाते हैं। हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया, थोड़ा सा दरदरा है क्योंकि प्याज और लहसुन जो है ये भुनने के बाद गल ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं पेस्ट बनाया है। तो अब चलिए दूसरे स्टेप में आते हैं। मैंने ये प्लेट ले लिया है तो इससे हम ये जो टमाटर को हाफ 2 टुकड़ों में काटा है इसे थोड़ा ग्रेट कर लेते हैं, इससे क्या होगा छिलका अलग हो जाएगा और ये प्यूरी की तरह हमें मिलेगा इस तरीके से। सारे फ्रेश फ्रेश चीज़ जो आप अपने हाथों से करते हैं काम, जो सामग्री है जैसे मूंग दाल जो हरी मूंग है वो उसमें कोई मिलावट नहीं है, आपको पता है ये सॉलिड मूंग था। तो ये देखिए इस तरीके से हरा टमाटर, धनिया, मतलब सीजनेबल सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग है। तो उसमें अगर आप थोड़ी और अपनी कारीगरी दिखा दे तो चार चांद लग जाता है। तो ये देखिए ये देखिए छिलका एकदम सेपरेट हो गया और हमें अच्छी एक पेस्ट की तरह टोमेटो का प्यूरी मिल गया। तो यह हमारा प्यूरी बन के तैयार हो गया है, मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब दाल के उबालने की देरी है, चलिए देखते हैं हमारा दाल किस तरह से बन गया है। शायद आप देख सकते हैं कितना सारा, मतलब ये वेपर निकल रहा है, लेकिन ये फ्लफी और एक स्पॉन्जी केक की तरह बन चुका है। तो चलिए इसे उतार के थोड़ी ठंडा होने के लिए छोड़ना। सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये दाल जो भाप से बन के तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल के अपने हिसाब से काटते हैं। जिसे जिन्हें चोकर पसंद है वो चोकर काटिएगा, जिसे राउंड शेप में पसंद है राउंड शेप में काटिएगा। तो मैं चाहती हूँ मैं इसे पनीर की तरह काट लूँ, तो चलिए काटते हैं इसे। मैंने इसे चोकर साइज से मैंने ये काट लिया है दाल को, सारी ठंडा हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम तेल डालेंगे।
तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं, इसे इस तरीके से फैला देंगे जिससे कि ये चिपके नहीं और हमारा कम तेल में भी खाना बन जाए। तो ये गर्म हो रहा है, इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे ये जो भाप से बना हुआ दाल का, इन सभी को इसे, ये देखिए गर्म हो चुका है इसलिए ये हल्का हो गया है, तो इसे अब हम जस्ट सौते करेंगे। इसे थोड़ा सॉटे करना है, देखिए इस तरीके से हमें बस इसका कलर थोड़ा चेंज होने तक, इसे देखिए देखिए हल्का ब्राउन होने तक इसे हम थोड़ा जस्ट ऐसे हिला के भून लेते हैं। इससे क्या होगा, इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा और ये बिखर नहीं जाएगा खुल, मतलब जो बहुत ही स्पॉन्जी है ना, तो इसमें अगर ग्रेवी रहेगा तो ये बिखरेगा नहीं, जिसकी वजह से इसे हम थोड़ा सा तेल में इसे जब सौते कर रहे हैं। ये देखिए करीब ये हो चुका है, एक एक साइड हो चुका है, तो इसे अब हम नीचे उतार देते हैं। इसके बाद इसी पैन में हम फिर से 2 टेबलस्पून के करीब हम सरसों का तेल डालेंगे, इसे गर्म होने देते हैं। ये देखिए आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए कैसे इसका कलर चेंज हो चुका है। बस ये तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसका अगर सब्जी बनता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ही स्वाद आ जाएगा, तो इसके लिए चले इसे हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये गर्म हो रहा है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले तो हम ये तड़के के लिए जीरा थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, ये 2 से 3 लौंग, 2 इलायची, 2 तेज पत्ता और ये जो मसाला पीस के रखा हुआ था हमें भूनना है, इसमें हम मिलाने वाले हैं 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आप ग्रेवी जितना रखना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा हल्का ग्रेवी अच्छा नहीं रहता है, तो इसके लिए नमक अपने स्वाद के अनुसार ही दीजिएगा। तो ये सभी चीज़ों को हम मीडियम आँच में धीरे धीरे चलाते हुए भून लेंगे। हल्के हाथों से धीरे धीरे मीडियम आंच में भूनना है हमें, जब तक ये प्याज और लहसुन भूनने के बाद तेल जब तक नहीं छोड़ता है, रिलीज होने नहीं लगता है, तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है, एकदम सूख गया है, देखिए थोड़ा भी पानी नहीं है इसमें, हल्का ब्राउन रंग का हो चुका है। तो अब हम इसमें ये जो टोमेटो का प्यूरी रखा था ग्रेट करके, तो इसे अब हम ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करके थोड़ी देर भून लेते हैं।
इससे इसका फ्लेवर और स्वाद दोनों बढ़ जाएगा। इसे धीरे धीरे भूनते हैं। और ये देखिए टमाटर डालने के बाद ये टमाटर का सारा पानी भी सूख चुका है और मसाले का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो इसमें अब हम ये हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो इसे थोड़ी देर मिला लेते हैं। ये देखिए सारा मसाला जो है अपने ये बर्तन में ही भुनने लग गया है, इसमें पानी नहीं है। अब हम इसमें ये जो हमारा दाल पीसने के बाद थोड़ा सा जो मिक्सर में रह गया था उसमें मैंने ये आधा का पानी ऐड कर दिया है, इसे अब हम इसमें डाल देंगे और इस फ्लेम को हाई कर देते हैं। तो इसे अब हम उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा सारा मसाला इसमें पानी में अच्छी तरह से सब मिल जाएगा और इसका फ्लेवर भी रिलीज होने लगेगा। तो उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। बढ़िया उबाल आ चुका है। तो इसमें अब हम धीरे धीरे ये जो दाल का जो हमने यूज से काट के रखा हुआ था इसको धीरे धीरे डालेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। हमारे चैनल के जो नए दर्शक हैं जो इन्हें देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कैसी रही हमारी ये रेसिपी। तो ये देखिए मूंग दाल की सब्ज़ी जो कि अब हम इसे थोड़ी देर के लिए उबालने देंगे, ज़्यादा नहीं उबालना है हमें। देर के बाद इसे हम उतार देंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि हमारा जो ये दाल का बड़ा है इस तरीके से पनीर के टुकड़े में जो काटा है इसमें सारा फ्लेवर आ जाए। तो तब तक हम इसे उबालने देते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल तो हमेशा खाता ही है हर कोई, लेकिन इस तरीके से दाल की सब्ज़ी जो मूंग दाल के बनता है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए हमारा ग्रेवी थोड़ा ठीक हो चुका है और यह भी परफेक्ट हो गया, बन के तैयार है। तो इसमें अब हम गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती जो मैंने बचा के रखा हुआ था इसे ऐड कर देते हैं। तो अब हम नीचे उतारने वाले हैं।